आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मैं इनकी वाट लगा दूंगी। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत ने एक बार फिर बॉलीवुड सेलेब्स को अपना निशाना बनाया है। अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में अपनी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की सक्सेस पार्टी दी, जहां मीडिया से कंगना ने कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। इसी दौरान कंगना ने बातों बातों में एक्टर रणबीर कपूर की खिंचाई की और उन पर ताना भी मारा। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ, आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा देयर वाज रणबीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। दरअसल कंगना मीडिया से राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रही थी, लेकिन जैसे कि सब जानते हैं कंगना अपने विरोधियों पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं, तो यहाँ बिना वार करे कंगना कैसे रह सकती थी। रणबीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पॉलिटिकल टॉपिक्स पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और उनके घर में पानी बिजली की समस्या नहीं है, तो वह फिर क्यों राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करें। रणबीर के इस स्टेटमेंट पर कंगना ने कहा कि रणबीर कपूर जैसे बॉलीवुड स्टार्स जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं। सितारों को जिम्मेदार होना चाहिए, अपने देश के राजनीतिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कंगना ने रणबीर का उदाहरण देते हुए यहाँ कई और सेलेब्स पर भी निशाना साधा। कंगना ने कहा कि उनको महंगी कारें और लाइफस्टाइल भी तो इसी देश ने दिया है। हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दे, दिस इज इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं, उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। मेरे घर में बिजली पानी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए। हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है। यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी। आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर। यू शुड टॉक अबाउट योर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, हु व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना, दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। वैसे रणबीर ही नहीं, कंगना इससे पहले रणबीर की गर्लफ्रेंड आलिया को भी अपना निशाना बना चुकी हैं और बातों बातों में आलिया को करण जौहर की कठपुतली तक भी कह चुकी हैं। कंगना ने आलिया पर भेदभाव का आरोप लगाया था। कंगना का कहना था कि जब आलिया की फिल्म राजी रिलीज हुई थी तो उन्होंने आलिया के काम की खूब तारीफ की थी, लेकिन जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो कोई सेलेब अपना फीडबैक नहीं देता है। अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप अगर कहीं जाके फिल्म देखते हैं, अगर या फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन ना करी जाए, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप दंगल देखें उनके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप सुपरस्टार देखें उसके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है तभी आपको बुलाया गया यू नो, और मीडिया के सामने बुलाया गया, आपसे बाइट्स लिए गए, सब कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है, राइट। वहीं अगर बात करें कंगना की फिल्म मणिकर्णिका की, तो कंगना भले ही अपनी फिल्म की सक्सेस पार्टी मना रही हूं, लेकिन इस फिल्म के लिए भी कंगना को बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा था। फिल्म के डायरेक्टर क्रिश से लेकर फिल्म के एक्टर्स तक के साथ कंगना कॉन्ट्रोवर्सी में फंसी। खैर जो भी हो, कंगना इस बात से खुश है कि उनकी फिल्म मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी ने 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। HS न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।